नानी के घरेलू नुस्खे, इनको आजमाकर जरूर देखना। जब भी तबीयत गिरी गिरी सी लगे या ब्लड प्रेशर लो हो रहा हो तो फटाफट से कोई मीठी टॉफी या चॉकलेट का एक टुकड़ा मुंह में रखकर चूसते रहें, आपको अच्छा महसूस होगा। तबीयत में किसी वजह से गिरावट हो या ज़्यादा काम की थकान हो तो पानी में चीनी, हल्का नमक और नींबू का रस डालकर मिलाएं। इस घोल को हर 2 घंटे पर पीते रहें, बहुत आराम मिलेगा। कुछ मुनक्कों को रात भर भिगो कर रखें और फिर इसे दूध के साथ उबालकर सुबह खा लें। यह शरीर में खून को बढ़ाता है, लो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। हर सुबह 5 से 6 तुलसी के पत्ते चबाएं। तुलसी के पत्तों में उच्च स्तर का विटामिन सी होता है जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। जब आपका रक्तचाप अचानक कम हो जाता है तो 1 कप कॉफ़ी या चाय आपके ब्लड सर्कुलेशन को गति प्रदान करता है। पूरे दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी जरूर पिएं। ये डिहाइड्रेशन होने से रोकता है। कभी कभी हम डाइटिंग के चक्कर में नमक का इस्तेमाल बहुत कम कर देते हैं। अगर कभी शरीर में गिरावट लगे तो नमक का हल्का इस्तेमाल बढ़ाएं, जैसे फल या सलाद में ऊपर से डालकर ले सकते हैं। 5 से 6 बादाम को रात भर भिगो कर रख दें। सुबह उन्हें छील कर पेस्ट बनाकर पानी में उबाल लें। अपने रक्तचाप को गिरने से रोकने के लिए इसे हर दिन पिएं। दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहें। इससे रक्तचाप जो अचानक गिर सकता है उसको रोकने में मदद मिलती है। इसके अलावा ये तरीका डायबिटीज़ के रोगियों में भी कारगर होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ।